श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। उमापति शंकर भगवान की जय। आज आप सुनिए बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागृह से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस काम को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर भगवान पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातः काल उठकर नित्य कामों से निवृत्त हो स्नान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में की जाती है। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए बोले करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वर्धहस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चरण धारण किए हुए रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी भगवान हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। भक्त जनों चलिए अब आप सभी सुनिए बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले अब मैं आप लोगों को बुधवार त्रयोदशी व्रत की कथा तथा विधि सुनाता हूँ। इस व्रत के दिन केवल एक ही समय भोजन करें, हरे वस्त्र पहने और हरी वस्तुओं का सेवन करें। प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव जी का पूजन धूप दीप बेल पत्र से करें। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता है, लेकिन वो पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही उसकी पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर अपनी पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वो पानी लेकर लौटा तो उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी किसी पराए पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर और उससे हंस हंस कर बातें कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल उसी पुरुष के शक्ल सूरज जैसा दिख रहा था। ये देखकर वो पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन सा है, लेकिन वो स्त्री चुप रही क्योंकि दोनों पुरुष हम शक्ल थे। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर वो पुरुष मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से दर्वित हो गए क्योंकि भगवान तो भोले भंडारी हैं और उसी क्षण वह अन्य पुरुष कहीं अंतर्धान हो गया। वह पुरुष अब अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से
दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से बुध प्रदोष व्रत की कथा संपूर्ण हुई। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।